यो रेट्रो मैंने किया तो की हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो कभी किसी के मोबाइल में देखा है आपने, मोबाइल खोलते हैं उन लोग का स्क्रीन जस्ट लाइक अ वीडियो मूव करता है, लाइव वॉलपेपर्स। आप लोग का फैसिनेटिंग लगता होगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम्हारा भाई आ गया वीडियो लेके। लाइव वॉलपेपर कैसे बना सकते हो, सिंपल स्टेप्स, कोई दिक्कत नहीं। PS टच लगेगा, काइन मास्टर लगेगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड तक बने रहो, वीडियो लास्ट तक देखो, समझ जाओगे सब अपने आप। ये Part 1 है, कल Part 2 आएगा, हाउ टू एनिमेट काइन मास्टर पे। PS टच पे आज मैं आपको उसके शेप्स, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, बैकग्राउंड फॉन्ट सब बता दूंगा, कलर स्कीम ग्रेडियंट सब बता दूंगा, कैसे क्या रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, सेव कैसे करना है PNG। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो पहली बात, लाइव वॉलपेपर बनाने के लिए आपको आपके स्क्रीन का साइज़ पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे क्रोम पे। मेरा M20 है, सैमसंग M20। मैंने सर्च किया स्क्रीन साइज़ ऑफ सैमसंग M20, वो साइज़ था 1080x2340। तो वही हम उसका प्रोजेक्ट लेंगे PSCC में जाने के बाद। यहाँ पे विड्थ 2340 है, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको 1080x2340। ये हो गया न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट डन। ये हमारा स्क्रीन है, अभी फिल कर देंगे। फिल में जाके वाइट कलर नहीं, ग्रे टाइप का कलर देंगे। कलर हो गया। अब हम एब्स्ट्रैक्ट शेप्स ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। फॉलो करो स्टेप्स। ये शेप ड्रॉ किया, फिर जाना है ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद उसको कुछ इस तरह सेट कर दो। होने के बाद फिल एंड स्ट्रोक में जाओ। फिल एंड स्ट्रोक में जाने के बाद दे देंगे इसको वाइट कलर। फिर ग्रेडियंट में जाना है, ग्रेडियंट में ये वाला ग्रेडियंट देना है रिवर्स स्पॉट करके, ग्रे और ब्लैक टाइप का, सेम ऐसा ही। अभी सिलेक्ट पिक्सल्स करो इसको, डुप्लीकेट लेयर, डुप्लीकेट लेयर को ट्रांसफॉर्म करो, थोड़ा ऊपर ले जाओ, ये यहाँ तक, थोड़े से नीचे, आधे में आना चाहिए उसके, अपनी ओरिजिनल लेयर के आधे में आना चाहिए। ओके, अभी उसके सिलेक्ट पिक्सल्स करो, ग्रेडियंट में जाओ, पहले फिल इन स्ट्रोक में जाओ, वाइट कलर दे दो, ग्रेडियंट में जाओ, रिवर्स स्पॉट्स कर देंगे हम लोग जाके। नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा ग्रे हो गया, थोड़ा ऊपर करो, ये डन। अभी इसके सिलेक्ट पिक्सल्स, तो ये ज़्यादा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे ले लेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म में जाके। बस सेट। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने इसको। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये लाइन जो है ये बाहर दिख रही है थोड़ी सी, इसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया। अभी इसके बाद डुप्लीकेट लेयर, नीचे वाली लेयर के अभी इसको ट्रांसफॉर्म करके नीचे लगा देंगे जस्ट लाइक दिस। ऐसे इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। ओके, एक ये हो गया, मर्ज डाउन ऊपर वाली लेयर। अभी एक और लाइन बनानी हमने, ट्रांसफॉर्म में जाना है उसके बाद, उसको इस तरह सेट कर देना है। ये हो गया। अभी एम्प्टी लेयर, फिल एंड स्ट्रोक में जाके वाइट कलर, फिर ग्रेडियंट में ये कलर दे देना है ग्रीन टाइप का, नियॉन ग्रीन। ये हो गया, ये डन, ये वाली लाइन हो गई। इसको डुप्लीकेट लेयर करेंगे, ऊपर वाली लेयर को लीनर डॉज ऐड करेंगे, फिर हम जाएंगे एफएक्स में, गॉजन ब्लर इसको रख देंगे 20। ये हो गया। अभी डुप्लीकेट लेयर एक और, नीचे वाली लेयर का जो लीनर डॉज ऐड किया है वो वाली नहीं, नीचे वाली ओरिजिनल वाली लेयर, उसको नीचे वाली लाइन पे लगा देंगे, नीचे वाली ब्लैक वाले स्ट्रिप पे, छोटा कर दो ट्रांसफॉर्म करके, सेट। अभी इसको मर्ज डाउन करेंगे ऊपर वाली लेयर को, अभी नीचे वाली लेयर को डुप्लीकेट, सॉरी फेड दे देंगे इस तरीके से। फेड हो गया। अभी डुप्लीकेट लेयर, ऊपर वाली लेयर को लीनर डॉज ऐड, फिर एफएक्स में जाके गॉजन ब्लर, सिंपल डन। ये हो गया, मर्ज डाउन। अभी इसके सिलेक्ट पिक्सल्स, नीचे वाले स्ट्रिप के ट्रांसफॉर्म में जाओ, इसका आधा करेंगे। एम्प्टी लेयर,
फिलन स्ट्रोक वाइट कलर, फिर उसके बाद ग्रेडियंट ब्लैक और ग्रे वाला, रिवर स्पॉट्स थोड़ा सा बड़ा, डन। अभी ओरिजिनल वाली लेयर के सिलेक्ट पिक्सल्स और इस पे जाके डुप्लीकेट वाली पे एक्सट्रैक्ट, फिर मर्ज डाउन कर देना है। ये हो गया। अभी ये नॉर्मल एक बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगल शेप ट्रांसफॉर्म करके उसको इस तरह लगा देना है क्या है। फिर जाना है एम्प्टी लेयर, फिल एंड स्ट्रोक में जाना है, उसका कलर सेम वही ग्रीन टाइप का दे देना है। ग्रीन टाइप का दे दिया, इसको ग्रेडिएंट नहीं देना है, इसको खाली फिल करना है। फिर डुप्लीकेट लेयर लिनियर डॉज ऐड गॉशियन ब्लर, इसका थोड़ा कम रखना 12 तक। ये हो गया। अभी डुप्लीकेट लेयर ऊपर साइड भी लगा देंगे हम इसको, सेम एज नीचे वाले भी वैसे ही कर देंगे। डुप्लीकेट लेयर ट्रांसफॉर्म फ्लिप, हाँ गलत फ्लिप हो गया, बाय थोड़ा सा लेफ्ट बस सेट। अभी ऐसे ही हम लोग ये ग्रीन वाली स्ट्रिप भी लगा देंगे, ये थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, ये डन। ये हो गया। अभी ये बॉक्स टाइप वाले को भी लगा देंगे हम इस पर, स्लाइडर टाइप का है वो। अभी बैकग्राउंड को देना है हमने ग्रेडियंट, नीचे आ जाओ, बैकग्राउंड बेस लेयर ग्रेडियंट सेम वही ग्रे, तो ऐसा कुछ कर दिया हमने। ये डन। अभी जाएंगे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में, ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा दो, कंट्रास्ट भी बढ़ा दो। ब्राइटनेस 10%, कंट्रास्ट 20। ये हो गया। अभी जाना है लेवल्स पे, लेवल्स पे जाने के बाद जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर देना है, तो आपका बैकग्राउंड अलग हो जाएगा, मतलब डिफरेंट शेप, डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट टाइप का आ जाएगा, उभर जाएगा अपना जो स्ट्रिप्स है ना वो उभर जाएगा इस वजह से। अभी आई बारी लेटर की, मेरे रेज रोमैनिक वाला ले रहा हूँ मैं, आपको जो चाहिए आप अपने लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हो। ये हो गया हमारा। अभी इसको ऐसे स्क्वायर टाइप का दे देना है बैकग्राउंड में लेयर, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको एकदम कट टू कट अपना जैसा है ना साइज उसके हिसाब से सेट कर देना है। फिर बेस लेयर पे जाना है, बेस लेयर पे जाने के बाद में ग्रेडियंट में जाना है और अलग कर देना है इसको, सेम सिंपल। ये हो गया। अभी सारी लेयर्स को मर्ज डाउन कर दो, ऊपर वाले दो स्ट्रिप जो है उसको मर्ज डाउन करना है, और वो स्लाइडर और ये छोटी वाली जो फेड की हुई लेयर है उसको मर्ज डाउन नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना। तो मर्ज डाउन होने के बाद में इसको दे देंगे हम एफएक्स में जाके ड्रॉप शैडो दे देंगे 90 डिग्री, ब्लर रखेंगे 19 समथिंग, और नीचे वाली लेयर को भी वैसे ही दे देना है, इसका डिस्टेंस जीरो कर देंगे हम, डिस्टेंस जीरो, डन। ये हो गया, उभर गई लेयर अपनी। अभी रेज रोमैनिक के सिलेक्ट पिक्सल्स, फिर जाना है ग्रेडियंट में, सेम उसको ग्रीन टाइप वाला ग्रेडियंट देंगे हम, ये डन। अभी इसकी डुप्लीकेट लेयर, फिर उसको लिनियर डॉज ऐड, फिर जाना है गॉशियन ब्लर में, कम कर देना है थोड़ा सा। ट्वेल्व डन। ओपेसिटी रख देंगे 70, मर्ज डाउन। ये हो गया। अभी सारी लेयर्स को इसको ड्रॉप शैडो दे देना है, हमारी रेज रोमैनिक वाली जो लेयर है इसको ड्रॉप शैडो दे देनी है, डिस्टेंस जीरो रख के। ये हो गया डन। अभी सारी लेयर्स को सेव कर लेना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ने लेयर सेव कर लिए होगी। तो कल के पार्ट का वेट करो, कल मैं आप लोगों को एनिमेशन सिखाऊंगा कि हाउ टू एनिमेट स्टिल वॉलपेपर, सिंपल सा वॉलपेपर, कैसे आप एकदम चुम्मेश्वरी वॉलपेपर बना सकते हो जस्ट बाय यूजिंग काइनमास्टर। तो काइनमास्टर डाउनलोड करके रख लेना, वीडियो का वेट करो, 4-5 बजे के अराउंड आ जाएगी कल, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार नए नए कंटेंट ला रहे हैं, जो दिमाग में आ रहा है वो आप लोगों के लिए ला रहे हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो और न्यू कंटेंट, सो यू कैन गेट अवेयर ऑफ कि हाँ भाई ने वीडियो अपलोड किया। सिंपली जाना है, वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करोगे तभी तो वीडियो चलेगी, तो ऐसा कुछ सीन है। तो इसके लिए आप लोगों को लाइक तो करना पड़ेगा जस्ट फॉर मी, बिकॉज मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हो। स्क्रीन नीचे स्वाइप करके वो लाइक वाली बटन को क्लिक करके नीचे कमेंट में लिख दो, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों को। तब तक के लिए मैं चला नया कंटेंट ढूंढने आप लोगों के लिए, नया कंटेंट मतलब एक वीडियो के बाद वाला। टेक केयर नाउ, बाय बाय देन, रेज रूमैनिका आउट।